हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग अपने लिए एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर सर्च कर रहे हैं जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ हाइड्रेट करने के साथ साथ आपकी स्किन प्रॉब्लम को भी टारगेट करे और आपकी स्किन को स्किन प्रॉब्लम से फ्री करे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा मॉइस्चराइजर जो ना सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, बल्कि आपकी स्किन को एजिंग के साइन से भी छुटकारा देता है, रिंकल से छुटकारा देता है और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी इंप्रूव करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा है ये मॉइस्चराइजर, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर वन, कभी भी किसी भी न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट को डायरेक्टली अपने फुल फेस पे अप्लाई ना करें, पहले फेस टेस्ट कर लें, जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं। और ये मैं अपने हर रिव्यू वीडियो में, या मैं ये कहूं कि मैं अपने हर स्किन केयर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। पॉइंट नंबर टू, अगर आप चाहती हैं कि प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आपको उसे एक इनफ टाइम देना होगा, एटलीस्ट 1 वीक तक आप उसे रेगुलर यूज करिए, तब आपको अपनी स्किन पे विजिबल डिफरेंस जरूर नोटिस होगा। पॉइंट नंबर थ्री, प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस मॉइस्चराइजर के बारे में जिसके बारे में मैं अभी तक आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो ये है ऑलवेज ब्रांड का हाइड्रेट मॉइस्चराइजर जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं। इसका प्राइस है 500 रुपीज, जिसमें आपको 50 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। वैसे तो इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है, बट जिस दिन आप इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तब से इसकी सेल्फ लाइफ 12 मंथ हो जाती है, मतलब 12 मंथ के अंदर ही आपको इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेना है या आपको इस प्रोडक्ट को यूज कर लेना है। इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूं या प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स की बात करूं तो सारी डिटेल्स आपको पैकेजिंग पे मिल जाएगी, इसे यूज कैसे करना है, बेनिफिट्स क्या हैं या डिटेल इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको पैकेजिंग पे मिल जाएगा। अगर मैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाता है नाइसिनामाइड, विटामिन B5, विटामिन ई, चिया बटर और कॉफी ऑयल। इंग्रेडिएंट लिस्ट सुनने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। वैसे प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये प्लास्टिक पंप पैक में आता है, जिसे यूज़ करना जितना कन्वीनियंट है उतना ही हाइजीनिक भी है, क्योंकि जब आप इसे पंप पैक से बाहर निकालते हैं तो काफ़ी हाइजीनिक हो जाता है आपकी स्किन के लिए। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी या ग्रीसी नहीं है। और एक बात, प्रोडक्ट लाइट वेट होने के साथ साथ क्विक अब्जॉर्ब फॉर्मूला के साथ भी आता है, बहुत ही जल्दी ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज कर देता है। अब अगर बात करें इस प्रोडक्ट को यूज करने की, तो जैसा कि ये एक मॉइस्चराइजर है, आपको इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम इजिली यूज करना है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। प्रोडक्ट क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, जैसे आपकी स्किन को रिक्वायरमेंट हो वैसे ही आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं। जैसे किसी की स्किन ऑयली है तो उन्हें बहुत थोड़े मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है, या किसी की स्किन ड्राई है तो उन्हें थोड़े से ज्यादा मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। तो क्वांटिटी जो है वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट की, स्टार्ट करेंगे इसके प्लस पॉइंट से। सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट जो है वो क्विक अब्जॉर्ब फॉर्मूला के साथ आता है, साथ ही साथ सुपर लाइट वेट है। पॉइंट नंबर टू, ऑलवेज के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सभी पैराबेन फ्री हैं, सिलिकॉन फ्री हैं और साथ ही साथ मिनरल ऑयल फ्री भी हैं, मतलब कि ये है कि ये आपकी स्किन के लिए सेफ हैं, आप इन्हें इजिली यूज कर सकते। पॉइंट नंबर थ्री, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ, हाइड्रेट करने के साथ
बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम को भी टारगेट करता है, जैसे कि अगर आपको एजिंग के साइन आपकी स्किन पे दिखते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके रिंकल्स को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और साथ ही साथ आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा। एक बार आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव हो गई तो आपकी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स जो हैं वो गायब हो जाएंगी, क्योंकि जब हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है या उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है तभी हमारी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखते हैं। पॉइंट नंबर 4, आई गेस ये प्रोडक्ट इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये मॉइस्चराइजर होने के साथ साथ एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर भी है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को डीप हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन जो है वो हमेशा सॉफ्ट और सपल बनी रहेगी। बाकी अगर इसके अदर बेनिफिट की बात करूँ तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो उसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपकी स्किन पे काम करेगी, जैसे भी आपकी स्किन को रिक्वायरमेंट होगी ये उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्किन पे रिएक्ट करेगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके माइनस पॉइंट की। इसमें वैसे तो कोई खास माइनस पॉइंट नहीं है, बट मुझे ये पॉइंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो इसमें जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ऑयली है तो इस पे इस वेदर में आप इसे डे टाइम के लिए अवॉइड करिएगा, नाइट टाइम में आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं। वैसे अब सीजन जो है वो रैपिडली चेंज होगा तो आप इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम इजीली यूज कर सकती हैं और ये आपकी स्किन के लिए एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर होने वाला है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉफ़ी ऑयल है और कॉफ़ी की स्मेल जो होती है वो फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी कॉफ़ी की स्मेल पसंद है तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी माइल्ड है और कुछ टाइम के बाद वो फेड भी हो जाती है। मॉइस्चराइजर के साथ साथ मैं ऑलवेज ब्रांड के दो और प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहला प्रोडक्ट है इनका फेस वॉश और दूसरा प्रोडक्ट है इनका सनस्क्रीन। तो पहले फेस वॉश के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक फोमिंग फेस वॉश है जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसका जो प्राइस है वो है 400 रुपीज, जिसमें आपको 60 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। इसकी सेल्फ लाइफ भी 12 मंथ है। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स पैकेजिंग पे मेंशन की गई है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है नीम, एलोवेरा और अरेबिक कॉफी। इंग्रेडिएंट लिस्ट से ही आपको पता चल गया होगा कि ये आपकी स्किन पे बेनिफिट के साथ साथ आपकी स्किन प्रॉब्लम को भी टारगेट करेगा। तो अगर आपको पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें नीम और एलोवेरा है। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट काफी जेंटल है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है, तो आप इस प्रोडक्ट को इजिली यूज कर सकते हैं। जहां तक रही बात यूज करने की, तो आप इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम इजीली यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है इनका सनस्क्रीन। तो इसका जो प्राइस है वो है 500 रुपीज, जिसमें आपको 50 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। इसकी सेल्फ लाइफ भी सेम 12 मंथ ही है और इसमें आपको मिल जाता है SPF 50+, जो कि इनफ है क्योंकि जितना ज़्यादा SPF उतनी ज़्यादा आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलती है। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी आपको पैकेजिंग पे मिल जाएगी, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाता है विटामिन B5, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जहाँ तक रही बात हार्मफुल केमिकल की, तो ये प्रोडक्ट 100% केमिकल फ्री है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल ऐड नहीं किया गया है। जहां तक रही बात इस सनस्क्रीन की, ये सनस्क्रीन वाइड कास्ट नहीं छोड़ती है, ये पॉइंट मुझे जरूर शेयर करना था क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी सनस्क्रीन नहीं पसंद होती है जो कि वाइट कास्ट छोड़ती हो, तो फिलहाल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये सनस्क्रीन, मैं सच कहूँ तो कुछ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर का मिक्सचर लगती है, जिससे कि आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन भी मिलता है और साथ ही साथ आपकी स्किन पे कोई भी वाइट कास्ट नहीं होते हैं। तो अगर आपको ऐसी सनस्क्रीन पसंद है तो आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं। जहां तक रही बात सनस्क्रीन को यूज करने की, तो आपको पता ही होगा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उससे 30 मिनट पहले आपको अपनी स्किन पे सनस्क्रीन अप्लाई करना होता है, जिससे कि वो अपना काम आपकी स्किन पे कर सके, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि उसे एक्टिव होने में इतना टाइम लगता है।
और जहां तक रही बात इंडोर की, चाहे आप घर पे रहें या फिर बाहर जाएं, सनस्क्रीन आपको डेली यूज करना है, क्योंकि सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ कई सारी स्किन प्रॉब्लम को आपकी स्किन से दूर भी रखती है। तो फिलहाल अगर मैं इन सारे प्रोडक्ट की बात करूं तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा किट है। क्लींजर, आपने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, आपका काम हो गया। उसके बाद आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करिए जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करे, हाइड्रेट भी करे और साथ ही साथ आपकी स्किन प्रॉब्लम को टारगेट भी करे। उसके बाद आप एक सनस्क्रीन तो यूज करेंगे ही जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे, मतलब जो भी आपने स्किन केयर किया हो उसे लॉक करे और साथ ही साथ बाहर की जो हार्मफुल रेज है सन की उससे आपको प्रोटेक्ट करे। तो बहुत अच्छा कॉम्बो है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अगर मैं फाइनल वर्ड की बात करूं, फाइनल वर्ड यही है कि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। जब मैंने इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम यूज किया था मुझे तब भी पसंद आया था, मैंने जब इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ी थी तभी मुझे पता चल गया था कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एक बात मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, अगर आपको ग्लोई मेकअप करना पसंद है तो आपको ये मॉइस्चराइजर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये आपकी स्किन पे एक ग्लो भी ऐड करता है। तो अगर आपको ग्लोई मेकअप पसंद है विदाउट हाइलाइटर तो आपको ये मॉइस्चराइजर जरूर पसंद आएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर जो कि आने वाले सीजन के लिए परफेक्ट है, साथ ही साथ दो और भी प्रोडक्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप इन प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं या ऑलवेज ब्रांड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या इनकी रेंज अगर आपको चेक करना हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।